पतरातु परचन विहार स्थित सभागार में आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ मंथन हो रहा है। पतरातु में आयोजित बैठक राज्य में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत चल रहे कार्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जिलावार समीक्षा हो रही है। आयोग देखना चाहेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न जिलों की तैयारियां कैसी है, झारखंड में कितने चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं जिससे परेशानी नहीं हो। इसके बाद झारखंड से इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे। बैठक के बाद ही झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख की अंतिम रूपरेखा तय होगी। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न जिलों की तैयारियों को आयोग जानेगा, कितने चरणों में चुनाव कराए जाएं, इसके बाद झारखंड में सुझाव मांगे जाएंगे। बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि ने ईसीआई के पदाधिकारियों को अवगत कराया। पतरातु पर्यटन विहार स्थित सभागार में आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ मंथन हो रहा है। पतरातु में आयोजित बैठक राज्य में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत चल रहे कार्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जिलावार समीक्षा हो रही है। आयोग देखना चाहेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न जिलों की तैयारियां कैसी है, झारखंड में कितने चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं जिससे परेशानी नहीं हो। इसके बाद झारखंड से इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे। बैठक के बाद ही झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख की अंतिम रूपरेखा तय होगी। ईसीआई की टीम के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की आज बैठक, बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। पतरातु पर्यटन विहार स्थित सभागार में ईसीआई की बैठक, समीक्षा कराया जा रहा है। सूची खास तरफ से आने वाला विधानसभा में यूज होगी उसी का, इससे अभी उसमें कितना कोई भी आपका नाम एडिशन कैसा चल रहा है, प्योरिफिकेशन एक्टिविटीज कैसा है, उसका संबंध में आपका समीक्षा किया जा रहा है। असेंबली इलेक्शन का कितना चरण में होगी उसका बारे में अभी चर्चा वो कमीशन ने ली, उसमें परंतु वो पांच चरण में वो नहीं होगी, उसका कम चरण में अभी कितना चरण में होगा अभी बोला उचित नहीं होगी, अभी वो फाइनल डिस्कशन कमीशन लेगी, फिर भी पांच चरण में नहीं होगा उसका काम नहीं होगा। देखिये वो चुनाव का तिथि है वो आपका कमीशन निर्णय लेगी, अभी वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया है, तो लास्ट छह महीने में आपका चुनाव करा सकते हैं, इसलिए निर्णय कमीशन से उसी का समीक्षा कराया जा रहा है। ये मतदाता सूची खास तरफ से आने वाला विधानसभा में यूज। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पतरातु से हमारे संवाददाता सुमित जुड़े फोनलाइन पर, सीधा उनका रुख करते हैं। सुमित देखिए, पतरातु पर्यटन विहार स्थित सभागार में आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ मंथन हो रहा है, बैठक चल रही है, आयोजित हुई है पतरातु में यह बैठक, क्या कुछ फिलहाल अपडेट आ रही है बैठक से? बैठक अभी चल ही रही है, समीक्षा बैठक चल रही है। जिसमें राज्य के सभी उपायुक्त पहुंचे हुए हैं, अभी कितने चरण में मतदान होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद सुमित तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत।
सच है तो दिखेगा।